हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुग्राम के गौशाला ग्राउंड में आयोजित स्कूल अस्पताल रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर 2 साल के अंदर 4 हमले हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुग्राम के गौशाला ग्राउंड में आयोजित स्कूल अस्पताल रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे ऊपर 2 साल के अंदर 4 हमले हुए। ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन दोस्तों मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जितने भी दिन जिंदा हूँ मेरी एक एक सांस देश की सेवा के लिए जानी चाहिए, और जिस दिन मैं मरूँ मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा इस देश के लिए जाना चाहिए। मैं इनसे नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। इनको जो करना है ये लोग कर ले। उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा केंद्र सरकार के ऊपर है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, भाजपा सरकार की ऊपर है। अगर 2 साल में 4 बार हमले होते तो मन में तो आता ही है कि यही लोग करवा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली सचिवालय के भीतर अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन शाम को फोन आया था राजनाथ जी का। बोले कि केजरीवाल जी कैसे हो? मैंने कहा कि आप ही ने भेजा था, बस चूक हो गई आप लोगों से। वो तो मैंने चश्मा पहन रखा था, नहीं तो आंखें खराब हो जाती। युवाओं से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा, हमारे लिए यह देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। 70 साल के अंदर इन लोगों ने देश को लूटा है। 70 साल के अंदर इस देश को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया है। केवल 3 साल के अंदर अगर हम लोग दिल्ली में इतना काम कर सकते हैं, तो 70 साल में इन लोगों ने क्यों नहीं किया? हम लोगों ने जानबूझकर पिछड़ा रखा गया, हम लोगों को जानबूझकर गरीब रखा गया, किसानों को जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर रखा गया। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी किसी पार्टी का नाम नहीं है। 1947 में अंग्रेजों को खदेड़ कर देश से बाहर फेंका था। अब देश को ऐसी पार्टियों ऐसी नेताओं से आजाद कराने का वक्त आ गया है। केजरीवाल पर मिर्च से हमला करने वाले शख्स ने कहा, वो मेरा टारगेट है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मिर्च पाउडर से हमला हुआ। दोस्तों, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर एक अज्ञात शख्स ने हमला किया। मिर्च फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शख्स का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है। केजरीवाल पर हमला करने वाले शख्स अनिल कुमार से पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। पूछताछ में वे कह रहा है, मैं केजरीवाल से इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि पिछले 9 सालों से उल्लू बना रहा है। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। केजरीवाल मेरा टारगेट है और मैं केजरीवाल को मारना चाहता हूं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी 11 साल की बेटी भी है और वो गुड़गांव के एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करता है। उसने कहा कि वो दिल्ली के रजौरी गार्डन के एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहता है। दरअसल मंगलवार को केजरीवाल दिल्ली सचिवालय स्थित अपने दफ्तर से बाहर निकले, तभी दरवाजे के बाहर खड़े एक शख्स ने उन पर मिर्च पाउडर डालने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने इस घटना का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीधे इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमला कराने की साजिश रच रही है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, उनके कार्यालय के गेट के बाहर एक आदमी ने मिर्च पाउडर से हमला किया। आप नेता राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल पर मिर्च पाउडर से हुए हमले को सुरक्षा में चूक का करार दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का चौंकाने वाला चूक, क्या यह दिल्ली पुलिस का निर्वाचित मुख्यमंत्री रक्षा के लिए एक अक्षम प्रयास है? जिस अफसर से थी आपकी रार, उसी को बना दिया केजरीवाल का सिपह सालार। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार देव को अब राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को विजय कुमार देव ने अंशु प्रकाश की जगह ली। वे सोमवार से अपना कामकाज संभालेंगे। दोस्तों, बता दें कि पिछले काफी समय से अंशु प्रकाश के साथ दिल्ली सरकार की अनबन चल रही थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि क्या मुख्य सचिव बदल जाने से दिल्ली सरकार के साथ चल रही अनबन खत्म हो जाएगी, अभी भी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों फर्जी वोटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाया था और चुनाव आयोग के साथ तू तू मैं की थी। इस दौरान दिल्ली के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी विजय कुमार देव के पास ही थी। यानी ऐसे में एक बार फिर मुख्य सचिव के पद पर वही व्यक्ति आया है जिससे दिल्ली सरकार की पुरानी रार चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि विजय देव AGMUT कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी है। इससे पहले वे दिल्ली के परिवहन निगम के चेयरमैन, दिल्ली के मंडलायुक्त के साथ अन्य भी अहम पदों पर रह चुके हैं।
गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहे अंशु प्रकाश को टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के मामले के बाद ही आम आदमी पार्टी सरकार के साथ काफी तल्ख रखे हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार ने बीते दिनों केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। दोस्तों, उनका आरोप था कि ये सभी आम आदमी पार्टी के वोटर थे। केजरीवाल के बुलावे पर मोहल्ला क्लिनिक देखने आए हरियाणा के लोग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर हरियाणा के लोग, गांव देहात से लोग दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए पहुंचे। हरियाणा के करीब 15 गांवों के लोगों ने वेस्ट दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों को देखा और यहां मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले हरियाणा की तोशाम विधानसभा एरिया का दौरा किया था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक तोशाम विधानसभा एरिया के नंगला, बागनबला, पत्थरवाली, खेरपुरा, गोघालगढ़, जुई, चांदबास, मनसरबस, डाडम, खानक, पिंजोरखरा, आलमपुर, खरगड़ी, मकवान, तोशाम, दिवासा और सांगवन गांवों से लोग दिल्ली के लिए सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने गए। केजरीवाल ने यहां के लोगों को दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद यहां के 15 गांवों के लोग दिल्ली गए। दोस्तों, दिल्ली जाने वाले में से एक रिवासा गांव के करतार सिंह ने बताया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि सरकारी स्कूलों में भी इतनी अच्छी सुविधाएं हो सकती है। नंगला के पूरन सिंह कहते हैं कि हमारे हरियाणा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। हमारे यहाँ के शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में सुविधाएं कमी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ते हैं और हरियाणा स्कूल के क्लासरूम में बेंच की भी कमी है। स्कूलों के साथ साथ हरियाणा के लोगों ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। उन्हें बताया गया कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट फ्री होते हैं, सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है, एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करते हैं। लोग सारी सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक की वीडियो और फोटो भी लेकर गए। दोस्तों, लोगों का कहना है कि ये वीडियो और फोटो अब वे अपने गांव और परिचितों को भी दिखाएंगे ताकि जो लोग दिल्ली नहीं जा सके उन्हें भी दिल्ली के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पता चल सके। सीएम केजरीवाल ने गुरुग्राम में भरी हुंकार, कहा शहादत के बदले 10 सिर कब आएंगे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। गुरुग्राम में शनिवार को गौशाला ग्राउंड में स्कूल अस्पताल रैली में पहुंचे आपके संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली एवं शहीद सैनिकों के मुद्दे उठाते हुए चौतरफा हमला किया। दोस्तों, इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है, इसे मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। इस कारण मनोहर लाल को केजरीवाल का हरियाणा में आना रास नहीं आ रहा। केजरीवाल ने पाक सीमा पर शहीद हुए सैनिक नरेंद्र सिंह की शहादत पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तुलना में दिल्ली सरकार 25% है, इसके बावजूद वह शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि दे रही है, जबकि इस मामले में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मौन साधे हुए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर नरेंद्र सिंह के परिजनों को 5 करोड़ रुपए देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने सीमा और देश के अंदर पाक की हो रही निरंतर किए जा रहे हमलों पर भी प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गतलोस चुनाव के समय 1 सिर लाने के बदले 10 सिर लाने का ऐलान किया था। इस तरह प्रधानमंत्री बताए कि नरेंद्र सिंह के बदले 10 सिर कब आएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अभी तक राजनीतिक दल परिवर्तन, हुंकार, विकास आदि रैली करते थे, लेकिन यह पहला अवसर है जब स्कूल अस्पताल रैली हो रही है। देश आजाद होने की बात किसी भी दल ने अपने काम एवं काम करने के नाम पर वोट नहीं मांगे हैं, लेकिन आप शुरू से ही काम के नाम पर वोट मांगने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्कूल खंडहर बन चुके हैं, उनमें बच्चों को पढ़ने लायक माहौल नहीं है। इस तरह अस्पतालों की भी दुर्दशा बनी हुई है। लगता है कि उनमें ज्यादा गड़बड़ी होने के कारण उनको राज्य सरकार ने हरियाणा में आने से रोका था। इस मामले में जनता द्वारा पोस्टर लगाकर राज्य सरकार से हिसाब मांगने पर मुख्यमंत्री घबरा गए और उन्होंने ऐसे सभी पोस्टर हटाने का आदेश दिया, जबकि वह कांग्रेस एवं इंडियन नेशनल लोकदल के पोस्टर नहीं हटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल हरियाणा में आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की भांति स्कूल स्वास्थ्य आदि सब सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।